जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज 5 अगस्त के दिन को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने इस दिन को जम्मू कश्मीर के लिए और आवाम की के लिए सबसे खराब दिन करार दिया है। जो दिवस यह है, ये वाकई ही काला दिवस के तौर पे हम लोग मना रहे हैं और भाजपा चाहे जिस ढंग से इसका जश्न मनाए, जम्मू कश्मीर की बर्बादी का वो जश्न मना रहे हैं। आज के दिन हमारी रियासत का दर्जा हमसे छीना गया, हमसे स्टेट सब्जेक्ट छीना गया और गवर्नर साहब की जगह एलजी की पोस्ट में बिठा के जम्मू कश्मीर को डिग्रेड किया गया और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर यूटी में कन्वर्ट कर दिया, जो शायद हिंदुस्तान में एक पहली मिसाल थी। एक लेबॉरेटरी समझ के भाजपा ने यहाँ पर रख दिया और 5 अगस्त के बाद जो उतराई तरह यहाँ का आवाम यहाँ पे कर रहा है कि कहीं पे भी उनको राहत नहीं, उनकी सुनवाई नहीं। जमहूरियत का कत्ल अगर देखा तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से देखने को मिलता है कि यहाँ पे हम कई देर से असेंबली के चुनाव से महरूम यहाँ पे हैं, पंचायतों के चुनाव यहाँ पे नहीं हो पा रहे, कॉरपोरेशन में कहीं चुनाव यहाँ पे नहीं हो रहे, कहीं पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उनके बजट की बात करें जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए कोई भी चीज़ों का पोटेंशियल जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बन सकता था नज़रअंदाज किया गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोई नहीं, 3500 स्कूल बंद कर दिए, राशन डिपो पर राशन नहीं मिल रहा और शराब की दुकानों और बियर की दुकानों में जम्मू मंदिरों को शहर को इन लोगों ने कन्वर्ट करके रख दिया।